तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपसन और आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से दीपसन मोटर्स में। तो आज मैं आपके लिए क्या है, एक ऐसी गाड़ी के बारे में रिव्यू वीडियो जो होने वाली है अपनी किया की तरफ से आने वाली कार के ऊपर। और जी हाँ, बात कर रहा हूँ ये सेवन सीटर में जो गाड़ी आती है सबसे लग्जरी सेगमेंट यही है। और अगर मारुति की बात करें, मारुति की बात, बट इसकी इस प्राइस पॉइंट पर जो गाड़ी आती है ना, इस प्राइस पॉइंट पर यही लग्जरी प्रीमियम और आपको दे सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें इसके जो फ्रंट की, तो फ्रंट का अगर आप लुक्स देखें तो इसमें आपको फर्स्ट पे इसमें आपको किया का लोगो मिल जाता है जो नया वाला है वो। और इसके बाद इसकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल इसकी पूरी पैक्ड है और इधर इंड से लेके यहाँ तक पूरी क्रोम का फिनिश दिया गया और यहाँ पे भी पैक्ड है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है और वहीं इधर भी आपको वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। और नीचे भी इधर आपको क्रोम का फिनिश दिया गया है और इधर आपको हुक दिया गया है। अगर सेंसर की बात करें तो इसमें एक, दो और तीन और चार इसमें आपको फ्रंट के सेंसर मिल जाते हैं जो आपको गाड़ी चलाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इसकी लाइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले डे टाइम रनिंग लाइट की बात करें तो इसमें आपको एलईडी लाइट्स आ जाते हैं जो इसको फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। और ये बात करें इसके जो हेडलाइट की, तो इसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स दिए गए हैं और नीचे आपको इसमें आपको फॉग लैंप भी इसमें आपको एलईडी दिए गए हैं, वो भी आपको एलईडी व्हाइट लाइट के साथ दिए गए साइड की। तो साइड में सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके ORM की, तो जो बॉडी कलर्ड है और इसमें आप इसके डोर हैंडल्स पे, तो डोर हैंडल्स में आपको क्रोम फिनिश जिसमें आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं विद पैसिव एंट्री के साथ। और नेक्स्ट अब चलते पीछे, तो और इधर से फ्रंट ड्राइवर साइड के डोर से लेके एंड तक इसमें आपको क्रोम फिनिश जिसमें आपको डोर दिए गए हैं। और अगर रूफ माउंट्स की बात करें तो रूफ माउंट्स इसमें दिए गए हैं जो सॉर्ट ऑफ स्टील के लगते हैं, बट आवाज प्लास्टिक, मैं सच बताऊं तो ये प्लास्टिक के हैं, ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट क्या बोलते हैं कंपनी फिटेड है बट जो यूजेबल नहीं है, बस इतना अपन आ चुके हैं रियर पे। और रियर की बात करें तो रियर पे सबसे पहले फर्स्ट जो नजर जाती है वही वो है किया का लोगो जो नया वाला भी रिसेंटली आया है। और इधर आपको इसमें आपको ऑटो की इसमें आपको बैजिंग मिल जाती है जो इसका टॉप एंड वेरियंट है। और इधर आपको कार की बैजिंग मिल जाती है और इधर आपको रियर वाइपर विथ डिफॉगर के साथ। और इसकी लाइटिंग की बात करें तो इसमें आपको जो रियर की लाइटिंग है वो आपको सारी एलईडी ही दिए गए हैं, हैलोजन नहीं दिए गए हैं, सारी की सारी एलईडी दिए गए हैं। और इधर भी ब्रेकिंग लाइट, इधर भी आपको ब्रेक लाइट दिया गया है। और अगर शार्क फिन एंटेना की बात करें तो इसमें आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है जो इस गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करता है। अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको R17 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं, वो भी इसमें आपको अभी MRF मिले। अगर वहीं अगर इसके अलॉय व्हील की बात करें तो डायमंड कट इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट पे इसमें आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। और अब चलते हैं रियर पे और रियर में देखते हैं कौन से ब्रेक लगे हैं। तो रियर पे भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक ही दिए गए हैं और सेंटर में आपको किया का लोगो। ओके, तो काफी देर होगी, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। तो अपन आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर मेरे को देखते ही मेरे को इसमें लगी भाई जो है प्रीमियमनेस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के जो प्राइस पॉइंट पे आती है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से इसके अंदर भाई प्रीमियमनेस ज्यादा फील होता है अदर कार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो अपन सबसे पहले इसके कलर की बात करें जो, तो इसमें आपको बोलते हैं नेवी ब्लू और बेज कलर का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और ये डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लैक कलर का दिया गया है। और इसका डिजाइन मेरे को एज अ पर्सनली बताऊं मेरे को बहुत अच्छा लगा। और डोर पे भी आप देख सकते हैं जो ब्लैक एलिमेंट है ना वो डोर पे भी इसमें आपको दिया गया है और इसमें आपको क्रोम हैंडल्स भी इसमें आपको दिए गए हैं। उसके सबसे पहले बात करें अपन रियर व्यू मिरर की, तो ये ऑटो डे एंड नाइट इसमें आपको मिरर मिल जाता है जो अपने अकॉर्डिंग से अपन चाहे तो अपन डे पे शिफ्ट कर सकते हैं और चाहे तो नाइट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपन बात करें अगर इसके अगर स्टेयरिंग व्हील की, तो लेदर रैप्ड इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। और बात करें इसके स्टेयरिंग माउंट्स की, तो स्टेयरिंग माउंट्स इसमें आपको लेफ्ट साइड पे इसमें आपको ऑडियो के कंट्रोल मिल जाते हैं जैसे कि कॉल कट एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन। और राइट साइड की बात करें तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल जैसे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, बटन दिए गए हैं आपको देख सकते हैं। और इधर इसमें आपको नीचे भी इसमें आपको क्रोम एलिमेंट दिख रहा होगा। और इस गाड़ी में भाई पैडल शिफ्टर है जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। और अगर नीचे बात करें तो इसमें आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। और इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं कोल्ड दोनों, और इसमें आपको ड्राइव के मोड्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको पार्किंग का भी व्यू मिल जाता है, पंचायत तो क्लिक करके देख सकते हैं। और कैमरे की क्वालिटी की बात करें
तो कैमरे क्वालिटी बहुत ही शानदार है जो आपको विद डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अपन इसके सीट अपोस्टी के बारे में। तो सीट का जो कंफर्ट है भाई वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। और मैं अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ या फिर बहुत दूर जाता हूँ तो ये गाड़ी में अगर बैठ गई भाई मेरे को थकावट तो नहीं होने वाली। और इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए गए हैं तो भाई सोने पे सुहागा हो जाता है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट दिए गए हैं और सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो सीट्स का भाई कंफर्ट अपन चाहे तो इसको अपन हाइट के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं और रीच के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये, और वो भी मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है। तो अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी में जो इंजन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको डीजल इंजन मिल जाता है, वो टर्बो चार्ज इसमें आपको इंजन मिल जाता है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 130 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये गाड़ी भाई ऑटोमेटिक है, 6 गियर मैनुअल के 6 गियर, और इसमें आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। अपन चाहे तो अगर मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें आपको आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप एंड इसमें आपको BS6 फेज 2 इसमें आपको दिया गया है जो मेरे ख्याल से आगे आने वाली गाड़ियों में हर गाड़ी में कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो अब फ्रंट की बात हो गई, अब चलते हैं सेकंड रो में और देखते हैं भाई सेकंड रो में कितना स्पेस। तो अब हम आ चुके हैं सेकंड रो में और इसका स्पेस आप देख लीजिए। सीट का अगर नी रूम की बात करें तो नी रूम बहुत ही ज्यादा है और थाई सपोर्ट भी बहुत शानदार है। और इसके अगर लुक्स की बात करें तो अंदर से भी सेकंड रो पे भी अगर मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। और बात करें इसके डोर की तो इसमें आपको एक जो मेरे को सबसे बेस्ट लगी वो है सन ब्लाइंडर इसमें आपको दिए गए हैं, वो भी कंपनी फिटेड है इसमें आपको दिए गए हैं और वो भी बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसमें आपको इधर भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया, अपन चाहे तो इसकी विंडो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इसमें आपको बोतल होल्डर दिया गया है। और इस और एक और खास चीज भाई इसमें दिया गया है आपका आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर के साथ। और ऊपर देखें तो अपन इसमें आपको 2 हैंडल दिया गया है और इसमें आपको सेकंड रो पैसेंजर के लिए भी इसमें आपको ना तो पिलर्स पे दिए गए हैं ना ही आर्मरेस्ट के यहाँ पे दिए गए हैं एसी वेंट्स। इसमें आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं रूफ पे और रूफ पे इसमें आपको एक लाइट भी मिल जाती है। और इसको कर देते हैं क्लोज और अब चलते हैं थर्ड रो में कि थर्ड रो का स्पेस कितना ज्यादा है। तो अब हम आ चुके हैं थर्ड रो में और थर्ड रो की बात करें तो इधर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे इधर पैर टच हो रहे हैं और जैसे कि मैंने आगे वाली सीट जो सेकंड रो थी वो मैंने एडजस्ट की थी अपने अकॉर्डिंग तो भी फिर ही मेरे टच हो रहे हैं। और थाई सपोर्ट भी इधर डिसेंट इनफ है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट थर्ड रो के लिए भी इसमें आपको सीट बेल्ट दिए गए हैं, यानी कि किया वालों ने सेफ्टी पे ध्यान रखा है। और इधर की बात करें तो इधर आपको एक कप होल्डर दे दिया गया है और इधर भी एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और दोनों पैसेंजर के चार्जिंग पोर्ट दिए गए, एक ये रहा और एक उधर। और वही बात करें इसके एसी वेंट्स की तो इसके और सेकंड रो पे जैसे कि दिए गए थे एसी वेंट रूफ पे तो इसमें भी थर्ड रो के लिए भी एसी वेंट्स रूफ पे ही दिए गए। सारी चीजें अपन ने देख ली, अब रह गया है इसका सिर्फ बूट स्पेस, यानी कि बूट स्पेस देखते हैं कितना बूट स्पेस है। तो मैंने ये खोला और इसकी अगर स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 216 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है जब थर्ड रो सीट है जो रेज्ड है। अब इसको थर्ड रो को हम डाउन कर दें तो इसमें आप स्पेस बन जाता है 500 लीटर से ज्यादा का इसमें स्पेस बन जाता है, जिससे गाड़ी सबसे ज्यादा स्पेस वाली बन जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको थोड़ी सी भी अगर नॉलेज मिली हो कार के बारे में और आप ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं कार के बारे में तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कार के ऊपर चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।